हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी अराउंड 8 हो रहा है और आज संडे का दिन है, तो सोचो संडे के दिन मैं इतनी सुबह क्यों उठी होंगी। तो आज है हमारे घर में एक फंक्शन, घर में तो नहीं है, मतलब मंदिर में है। मम्मी वगैरह, मतलब जितनी भी मासियाँ हैं एंड बुआ जी वगैरह, उन सब ने रखा है भंडारा। तो बस अभी हमको वहाँ पे जाना है, तो हम सबका भंडारा है, तो हमको वहाँ पे पूजा में भी बैठना है और घर में भी पूजा हो गई है स्टार्ट, जैसे आप घंटी की आवाज़ सुन सकते हो मेरे बैकग्राउंड में। और उसी के साथ अभी हम जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा बहुत हाथ बिताएंगे, काम में भी कंट्रीब्यूशन देंगे अपना, और साथ ही साथ उसके अलावा वहाँ पर अभी हवन भी है, उसमें भी हमको बैठना है। तो उसके लिए मैंने पहना है काइंड ऑफ पेटीकोट, वैसे तो ये सूट है पर मैंने इसको पेटीकोट में कन्वर्ट करके इसी को पहन लिया है। और उसके बाद वहाँ पे भंडारा लगेगा, तो काफ़ी लोग आने वाले, तो बने रहे आज के दिन में मेरे साथ और चलते हैं अब। और मैं अपना शर्ट, आज का ड्रेस कोड भी दिखाती हूँ और साथ में दिखाती हूँ कि ये रियो क्यों भौंक रहा है। क्यों करें आप इसको तंग? मुंह क्या लगाया है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? गुड मॉर्निंग तो बोलो। तो ये है मेरा आज का ड्रेस कोड, अभी इसके नीचे मैंने नाइट सूट का पजामा ही पहना है। मुड़ो मुड़ो चमागे, हेलो करो आज। चलो बावड़ी जा रहा हूँ पानी लेने पूजा के लिए। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। कल तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मंदिर तक, तो अभी बस हम अंदर जाएंगे, सबसे मिलेंगे और करते हैं तैयारियां, और मिलती हूँ मैं आपको बाद में। पर फंक्शन में जाते सबसे पहला जो काम होता है वो होता है एक दूसरे से मिलना, तो वो हो गया है स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत टाइम के बाद सब मिले तो बहुत ही ज़्यादा खुशी व्यक्त कर रहे हैं। और उसके बाद हम लग गए थे अपने काम पर, तो सबसे पहले आप यहाँ पे मेरी छोटी छोटी ननंदों से मिल लो, ये दोनों मेरी ननंद है। और साथ में ही यहाँ पर लग गए थे पूरियाँ बनाने, तो इसमें थे मामी जी, मासियाँ एंड बुआ जी, मामू, बहुत सारे लोग थे, मतलब सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, सब ने अपना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और काम हो गया बहुत जल्दी जल्दी फारिग। इसके बाद हमको जाना था यज्ञ में, तो मिलती हूँ मैं आपको यज्ञ में। फ्लावर्स, कितने खुश है देख लो लोग। यहाँ अंदर होगा अभी यज्ञ के लिए हम बने हैं प्रीतिका भाभी के वीडियोग्राफर्स। एक ये भी है मिल, हम आपको उनकी शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स दिखाते रहेंगे, वो अभी थोड़े बिजी है तो अभी हम दो उनका काम कर रहे हैं। और हम दो बिल्कुल अच्छे हैं, ये बीच में आके मैं बहुत तंग कर रहा हूं। कौन सी कब से ब्लॉगर बनी है ये? हम प्रीतिका, ये देखो काल ले कोई बच्चों को तंग कर रहा है वो विक्की भैया, पता नहीं क्या सोच में बिजी है। पूरे मंदिर का उन्होंने वो कर दिया है, कहाँ पर क्या है, कब से वही सोचे जा रहे बिचारे। सीरियस डिस्कशन चल रही है इनके बीच में, पर अंदर है सारी बहने यहाँ पर अंदर बैठ के जाई, जाई बोल और ये आ गया आपके प्रीतिका मेहता, यहाँ पर बैठ के अभी यज्ञ होगा। पता नहीं बच्चों को तंग कर रहे हैं, कोई काम नहीं और समझाइए अपने पति को। बस लड़ाई है, सबसे छोटा बच्चा देखो। हाँ हाँ ये देखो बुरे हाल है, कपड़े कपड़े खोल दिए उस बेचारे के देखो
पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारे पति पत्नी साथ बैठ चुके हैं यज्ञ के लिए। उधर है प्रीतिया भी, विक्की भैया, देख सकते हैं आप सारे बैठ चुके हैं। ये देवता जी, हाँ मेरे को डर लग रहा है। तो ये यहाँ शुरू होने वाला है हमारा यज्ञ। आती अपनी अपनी अर्धांगनी को भी दे दो। ओम विष्णु विष्णु जाति ओम केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा। हाय बोलिए, सब बोलिए हाय। कोई भी यज्ञ पूजा करने के बाद सबसे पहले हम भोजन खिलाते हैं कन्या को। तो सबसे पहले यहाँ पे कन्या को धूप छोड़ रहे थे और उनको तिलक कर रहे थे। और इसके बाद हम सबसे पहले इन्हीं को प्रसाद खिलाएंगे, फिर इनको खाना खिलाएंगे, उसके बाद जाके हम अपना व्रत तोड़ेंगे। तो आज हमारे व्रत थे सबके, जो भी लोग यज्ञ में बैठे हुए थे। आगे पहाड़ों, ये आपके बाल इतने ग्रेकिस हो गए, क्या करें, बुढ़ापा आ गया है। नर्स मैडम, हेलो, बाय। इतना ही है। यज्ञ करके जब हम वापस पहुंचे तो देखा कि भंडारा हो गया स्टार्ट, काफी लोग आ चुके थे, तो सबको खाना खिलाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। और अभी बस हम खाना खा के हो गए फ्री, और अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। देवता जी को बाहर निकाला है और सब उनके मतलब क्या करते हैं, दौड़ू दौड़ू कुछ बड़ा सेंटेंस बोल रहे, जो वैसे बोला नहीं जा रहा वही कर रहे हैं। सस्ते ब्लॉगर, ए सस्ता ब्लॉगर। कोई कम नहीं दिखा के और अच्छा सर सारा। वहाँ से निकलते निकलते सबको बाय करते करते बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि मैं कैमरा निकाल पाऊँ। तो बस अब हम घर पहुँच गए थे और रास्ते में हमको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, जैसे कि आप सामने देख ही सकते हो। अभी हम पहुँच गए घर, जैसे कि आप देख सकते हो चेंज वेंज मैंने कर दिया है। तो अब मतलब ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं, तो अभी हम 15-20 मिनट हुए हमको पहुँच के, तो बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गई है। वैसे तो हमने कुछ काम वहाँ पर खास किया नहीं, थोड़ा बहुत था जो भी किया,
पर उसके बावजूद मतलब शरीर ऐसा लग रहा है कि सुबह से लेकर बहुत काम कर रहा है, क्योंकि यज्ञ में भी हमको ऑलमोस्ट 2 घंटे तो बैठना ही पड़ा, और उसके बाद भी थोड़ा बहुत जो भी था वो सब करने के बाद अभी हम घर तो पहुंच गए फाइनली। पर अभी इसके बाद आई डोंट थिंक कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर पाऊँगी, क्योंकि अब तो मुझे लगता है खाना मेरे लिए पॉसिबिलिटी कम ही है, सीधा सो ही जाऊँगी, बाकी देखते हैं क्या बनता है। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।